सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? कुछ कुछ ठीक होंगे लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ होंगे सर, और जो गड़बड़ होंगे ना आज मैं उनको ठीक कर दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है ना कि बच्चा लोग क्लास टेंथ का एग्ज़ाम देते हैं और कितने लोग हवा हवाई में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देता है, लेकिन पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी नहीं रहेगा ना तो बड़ा धोखा खाइएगा सर। तो सबसे पहली बात है ना कि बहुत सारे बच्चे को ये होता है ना कि सर मुझे बिहार के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा, मैं गर्ल्स हूँ तो हमारे लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा जहाँ पर मैं हॉस्टल में सुरक्षित रह पाऊँगा। बहुत सारी कंडीशन है सर, क्योंकि ये है बिहार, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं टॉप 10 कॉलेज की बातें करने वाला हूँ जिसमें आपको कितना नंबर लाएगा तो वो सब कॉलेज आपको मिल पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, नहीं आज के बाद आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा ख़त्म। तो आप हो जाओ तैयार, एक बार जय इंडिया लिख करके कॉमेंट बॉक्स में सर कॉमेंट करके धारा प्रभा सर यादव, और जो भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को भी शेयर कर देना। और आपका क्लास कंटिन्यू तरीका से चल रहा है ना, तो सारे क्लासेस को करते रहिए। और एक बात सर, थोड़ी सी मैं आप सबके लिए एक मिनट टाइम लूँ जो कि आपको सिलेक्शन की ओर भेजेगा, पता है क्या? तो आप सबके लिए मैंने टोटल 900 क्वेश्चन का एक गेस क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक ना, 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक गेस पेपर बनाया हूँ सर मैं अपने हाथों से लिख करके, ठीक ना, जहाँ पे आपको 300 फिजिक्स मिलेगा, 300 केमिस्ट्री मिलेगा और 300 मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, और सॉल्यूशन साथ में है, उसका पीडीएफ फाइल आप सबके बीच में सर प्रकट कर रहा हूँ। और जो ऑलरेडी लगभग 3000 से अधिक स्टूडेंट मेरे पास से वो पीडीएफ फाइल खरीद चुके हैं, ठीक ना, जिसका प्राइस 100 रुपया था। सोच सकते हो कि 300 क्वेश्चन मैंने सारे अपने हाथों से लिखा, मैंने अपने हाथों से लिखा, जो मैं वादा करता हूँ 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही 900 गेस क्वेश्चन से चमकेगा सर, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक ना। जिसका प्राइज पहले 100 रुपया था, अब मैंने कर दिया है फिर से 60 रुपया, ठीक ना, जहाँ जिसको आपको खरीदने के लिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, चमक रहा होगा 90-60 वाला नंबर, उस पर आपको 60 रुपया पेमेंट कर देना है ऑनलाइन, ठीक ना, पेफोन गूगल पे पेटीएम या दूसरे से करवा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करवा करके वही व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप पे जाना और व्हाट्सअप पे जा करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक ना, पेमेंट करके उस पेमेंट का व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, आपके पास तीनों का पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, ठीक ना, और वह पीडीएफ फाइल को आप पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा सर, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बात, छोटे छोटे बातें ये भी है ना कि आपके एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चन आता है, ठीक ना, जहां पे आपको 30 मैथ होता है, इसके बाद आपको 30 फिजिक्स होता है, इसके बाद आपको 30 क्या होता है केमिस्ट्री होता है। सबसे पहले ये वीडियो को सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि आज जो है ना आप सबके काम के लिए एकदम बेहतर वीडियो ये बनने वाला है सर आप सबके लिए, ठीक ना। जहाँ पे 300 मैथ, 300 फिजिक्स, 300 केमिस्ट्री, सॉरी 30 को मैथ, 30 को फिजिक्स, 30 को केमिस्ट्री होता है, ठीक ना, टोटल 90 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ठीक ना, एक प्रश्न अगर आप सही करिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। बिहार में निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 3 को गलत मारेंगे तो 1 को सही वाला भी कट जाएगा, ऐसा बिहार में नहीं होता है, ठीक ना, और कैसे तुक्का मारना है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और टोटल आपका 90 क्वेश्चन होता है, जहाँ पर 30 को होता है मैथ, 30 को फिजिक्स, 30 को केमिस्ट्री। आप सोचो 9×5=45 नहीं, टोटल आपको 450 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक ना सर, टोटल आपका 450 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब हमें लाना है बिहार के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि सर जब पॉलिटेक्निक कर ही रहे हैं तो बेहतर कॉलेज से करने में ना फायदा है, इसके लिए मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा। मैं कहता हूं सर, अगर आप 50 क्वेश्चन, अगर आप 90 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर दिए तो 50 को 5 से गुना कर लेना, 250 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। पहले मैं आपको बातें करता हूँ, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, अगर 90 क्वेश्चन में आप अगर 50 क्वेश्चन सही कर दिए ना, 50 क्वेश्चन सही करिएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 50 को 5 से गुना करिएगा, 250 नंबर होगा। जब आपको बिहार पॉलिटेक्निक में 250 मार्क्स आ जाएगा ना, तो आप ये टॉप 10 कॉलेज का जो लिस्ट है उसमें आपका एडमिशन आसानी तरीका से हो जाएगा, ठीक ना। जब आप काउंसलिंग करिएगा तो आपको आसानी तरीका से वो सब कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। अब आइए, अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 40×5 कितना 200,
आप देखिए 5:24, अगर आपको 200 नंबर आता है ना तो पर भी आप ये टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन होने का चांस बनता है, ठीक ना। ये टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन होने का चांस बनता है जब आप 90 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही कीजिएगा तब। अगर 90 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो ये किसी का पापा जी भी नहीं काटेगा कि ये टॉप 10 कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा सर, पक्का आएगा, ठीक ना। अगर इतना ले लाए ना तो आपको 100% श्योर हो जाइएगा। अगर इतना लाइएगा तो थोड़ा सा करेजा करेगा, दुक्कुल दुक्कुल दुक्कुल, हाँ क्या करेगा, दुक्कुल 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 करेगा, हाँ ठीक ना। अब बात है सर, कितने बच्चे लोग अभी सेट मार रहे हैं, तो कितना 90 में से 30 को सही कर रहा है, कितना 90 में से 35 को सही कर रहा है, कितना 90 में से 25 को सही कर रहा है। तो ये SC ST से अगर आप रहिएगा ना तो आपको 40 पे भी टॉप 10 कॉलेज वो मिल जाएगा, ठीक ना। आइएगा, अगर जो बंदा लोग 90 में से 60 टेकअप करता है तो 60 को 5 से गुना करो, देखो कितना नंबर होगा, 6×5=30, यानी 300 नंबर अगर आप ले लाइएगा ना सर तो आप टॉप कर जाइएगा बिहार में, ठीक ना। क्योंकि देखिए कंडीशन ये है ना कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो अब है ना वो इंटर पास करने वाले बच्चा भरने लगा है, और जो 10th पास करके आते हैं ना तो वो मार खा जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका कंपटीशन हाई हो जाता है, और जो इंटर किया हुआ रहा तो उसका कंपटीशन लो हो जाता है। क्योंकि सर पॉलिटेक्निक में कुछ ऐसे चीज़ पढ़ने का है जो 10th में नहीं पढ़ने का है, जैसे लॉगरिथम्स है ना, लॉगरिथम्स 10th में नहीं पढ़ने का है। फिजिक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर है जो आप नहीं पढ़ पाए होंगे, ठीक ना, पहले वेक्टर्स आप नहीं पढ़ पाए होंगे उतने लेवल तक का जितने में पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, तो वो दिमाग से आप हटा दीजिएगा कि 10th का ही सिलेबस पॉलिटेक्निक में होता है, तो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। आइएगा, अब टोटल जो है ना वो बिहार में, टोटल बिहार में कितने कॉलेज है, 44 कॉलेज है, ठीक ना, सरकारी कॉलेज टोटल बिहार में 44 है, जहां पे आपको 42 कॉलेज जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक ना, जो 42 कॉलेज है ना वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ओके। अब टोटल 44 है जहां पे 42 कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, और जो दो कॉलेज है ना वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, जो एक पटना में है, पटना 14, और एक आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक ना। तो अगर गर्ल्स को मैं कहूंगा कि अगर आप इतना टेकअप कर लेते हैं तो आप ये दो कॉलेज में आपका नामांकन हो जाएगा, ठीक ना। तो प्लीज़ आप सब कोशिश करिएगा कि मेरा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन हो तो अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहिएगा, ऐसे थोड़ी सी सर दिक्कत होती है, ठीक ना, मम्मी पापा का भी टेंशन होता है। लेकिन आइएगा, एक नंबर पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना, मतलब सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 13। पटना में 3 कॉलेज है, एक पटना 13 है, पटना 7 है, पटना 14 है, ठीक ना। तो पटना 13 जो है ना वो सबसे पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है सर पूरे बिहार में, ठीक ना, जिसका बात ही अलग है, ठीक ना। एक नंबर पर ये आता है। दूसरा नंबर पर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 7, जो कि आपको पढ़ता है गाय घाट, नहीं यहाँ पे पढ़ता है, क्या बोलता है इसको, गाय घाट में ही पढ़ता है सर, बाकरगंज, ये बाकर नहीं, गुलजार बाग में पढ़ता है, पटना सिटी की तरफ ही है, ठीक ना। पटना 7, ओके, पटना 6, पटना 7, गाय घाट में पढ़ता है, ठीक ना। आइए, ये पटना 7 जो है वो सेकेंड नंबर पर रखा गया है। 3 नंबर पे जो आता है ना टॉप 10 की लिस्ट में, वो आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ, मुजफ्फरपुर। कौन कौन लोग पटना से और कौन कौन लोग मुजफ्फरपुर से है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। आइएगा, जिनका घर मुजफ्फरपुर है कोशिश रहेगा कि अच्छा नंबर लाइए, इतना से ऊपर जाइए पक्का मिलेगा सर, ठीक ना, उतना भी लाइएगा मिलेगा। अगर मैं बात करूँगा ना सर कि 4 नंबर में तो आता है वैशाली, जो कि हाजीपुर वैशाली में है, ठीक ना। आइएगा पटना, अगर 6 नंबर में अगर रखा जाए ना तो कॉलेज का नाम आता है भागलपुर, कहां पे, भागलपुर। अब यहां पे थोड़ी सी बात यह होता है ना कि 6 नंबर में अगर मैं बात करूंगा ना तब आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार, जो कि सिविल के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। अगर 7 नंबर में बात किया जाए तो आपका आता है बरौनी, है ना। आइए, अगर मैं 8 नंबर में बात किया जाए ना तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज छपरा, कहां होगा, छपरा रे। आइए, अगर 9 नंबर में बात किया जाए ना तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया, कहाँ सर, गया। गया को थोड़ा सा ऊपर में रखना चाहिए था, लेकिन गया चलो यहाँ के बाद नू, इसके बाद नू कहाँ पे किसको रखिएगा ना वो पता नहीं है सर, लेकिन कटअप के अनुसार से मैंने पिछले 10 साल का जो कटअप गया ना उसके अनुसार से मैं इस लेवल में रखा हूँ, ठीक ना। ये आप सर्च करेगा, ये बिहार का टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन कहिएगा गुरु जी तू तो बतेला 90 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को बताया, 10वां नंबर में क्या है। तो यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि 10 नंबर में किसको रखा जाए,
ये 10 नंबर में कौन सी कॉलेज को रखा जाए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए, कमेंट कर दिए, क्योंकि सर 10 नंबर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। पटना वुमेन्स वाला जो है ना, गर्ल्स वाला जो कॉलेज है ना, वो भी 10 नंबर में रखा जा सकता है, या फिर मुजफ्फरपुर वाला भी वुमेन्स कॉलेज 10 नंबर में रखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों कभी कट ऑफ हाई जाता है, ठीक ना। या फिर बात किया जाए सर ना, तो आपको क्या बोलता है, पूर्णिया का भी कॉलेज रखा जा सकता है, गया में 2 कॉलेज है उसको भी रखा जा सकता है, बहुत सारे 10 नंबर में होता है, ठीक ना। तो 10 नंबर पे छोड़ दो, 9 तक रखो, और 10वां नंबर कॉलेज का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कौन सा कॉलेज रखना चाहिए, ठीक ना। तो आप सबकी सारी समस्याएं दूर हो गया, मैं कोशिश रहता है सर मेरा आप सबको बेहतर बनाऊँ, आपकी सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकाऊँ। तो आपका सारे क्लासेस चल रहा है, सारे क्लासेस कंटिन्यू तरीके से पढ़िए। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ सर कि आप सब अपने मम्मी पापा का सपना को करिए साकार, तब भी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना है ना सर। थैंक यू भाई, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, थैंक यू।